तो हम तीनों जो है दिल्ली गाड़ी में सवार और सवार हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी फिक्र है, तो आपको वहाँ पे ले जाते हैं और दिखाते हैं। उनका नया गाना लॉन्च हुआ है इसलिए भी वो यहाँ आई है। तो हम आए हुए हैं बिहार में, तो सोचा क्यों ना लगे हाथ जो है हम भी उनसे मिल ही लेते हैं और आपको भी मिला ही देते हैं। तो अभी हम DMCH क्रॉस कर चुके हैं, अगर नाका नंबर 5 की तरफ जा रहा है। कौन सी जगह है हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी लोग जो नहीं आए क्योंकि हम लोग सबसे पहले आ गए। ये अंकी रही, शिल्पा रही, लेकिन हम लोग गलत देख दिया था। तो यहाँ पे इनका पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, तो यहीं पे होने वाला है। ये आप जितने भी क्रिएटर देख रहे हो ये सारे क्रिएटर दरभंगा के, और हम लोग जो है इन लोगों से फर्स्ट टाइम मिले और इन लोग सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम लोग वेट कर रहे हैं प्रिया मैम का, एक बार वो आती है तो हम जो है आपको उनसे मिलवाते हैं। उनका नया गाना लॉन्च हो रहा है इसलिए भी वो ये मीटअप रखी है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बाकी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो तुम लोगों का, कैसे फर्स्ट टाइम है इवन हम लोग का जो है क्रिएटर मीट फर्स्ट टाइम है, और ऊपर से बिहार में हो रहा है, वो हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग बिहारी है और पहला क्रिएटर जो है बिहार में, तो बहुत ही अच्छा है। बहुत एक्साइटेड है कि देखते कैसा होता है इवेंट, और हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं किए इतने सारे लोग जो है हमें मिलेंगे, तो मिलकर भी बहुत मज़ा आया। अभी तो हम आगे आगे आप देखोगे पूरा बिहार का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, तो आपको जो है नए नए क्रिएटर जो है हमारे साथ जुड़े हुए भी दिखेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। हेलो हेलो, हाय, हाउ आर यू? नमस्कार। बहुत इंतजार करवा दी। हाँ, बहुत इंतजार यार। माफी चाहेंगे, ट्रैफिक में भी फंस गए थे, शक्ल इतना खराब हुआ और कैसे आ रही है। नहीं, शक्ल तो बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है। ग्लो कर रहा है, ग्लो। कोई बात नहीं, हम लोगों को अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे और अच्छा अच्छा गाना भी सुनाएंगे। गाना सुनना है, यहाँ पे चल रहा है प्रिया मलिक जी का स्वागत। तो हमारे मिथिलांचल में जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं, तो यहाँ पे वही चल रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ एंड वीडियो क्लिक करवाए हैं उनके साथ, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। मैम जो है आ गई है, फोटोशूट वगैरह हम लोगों ने ढेर सारा किया है। तो हम सारे क्रिएटर यहाँ पे बैठ के मैम के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और मैम ने भी हमें बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें बताई हैं। हमको कॉपी करने में बहुत मज़ा आता है, थोड़ा वो मिमिक्री कर लेते हैं। तो जब पटना में जब रहते थे तो मंदिर में जो चाची दादी लोग बैठ के गाती है ना, तो वो लोग ऐसे ही टोन में गाती है, उनका थोड़ा फटा हुआ सा आवाज़ होता है। तो अब जैसे कि ऐसे गाती थी वो, उनका ज़्यादा पैरोडी होता है, जैसे फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो उसमें भोला भोला करके गाती थी, तो वैसे गाती थी, हारा भोला 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 भोला। बहुत ध्यान से उसको मेरे स्कूल से जब आते थे ना, तो जो 2 से 4 बजे का जो वक्त होता था तो बहुत गाती थी, तो ध्यान से सुनते रहते थे। तो जब ये गाना जब करने के लिए आए ना, तो पहले हम सोचे कि 2-3 सिंगर्स को बुलाते हैं कोरस करने के लिए, बट फिर बाद में पंकज जी लोग और सब बोले कि तुम ही ट्राई करो, एक बार कोशिश करो। तो एक आवाज तो हम निकाल ली है, अब जैसा आएगा ये, हाथी ले बे घोड़ा ले बे ले बे हीरो हंडा लगा बेचारे डंडा, तो ये एक हुआ। फिर इसमें और थोड़ा दादी वाला, तो फिर अब इसको और थोड़ा, अब जैसे कोई कोई नाक यूज करती है, तो हाथी ले घोड़ा ले बे ले बे हीरो हंडा, तो इसको जोड़ रही है, तो ऐसा, तो दादी चाची लोग ऐसे ही गाते हैं। फिर एक थोड़ा सा एकदम हाथी ले बे घोड़ा ले बे ले बे हीरो हंडा लगाया बचार डंडा, दिमाग हो बे ठंडा, तो एकदम जो गांव वाला होता है ना,
तो यही सब सुन सुन के ना फिर हम अलग अलग ट्राई किए माइक पे, तो अच्छा निकल गया। तो फिर हमने सोचा कि हम अपनी आवाज को रखते हैं, ना कि अलग और अलग सिंगर्स को इसमें ये करते हैं, तो ओवरऑल अच्छा लग रहा था। तो सर कैरेक्टर लाना पड़ता है, अभी क्या करें, दादी चाची जैसे मैं अपने फैमिली में सबको बहुत प्यार करता है, तो हम सारे सबके कैरेक्टर को अपने अंदर ले तो और ये गाना मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि इसको बनाना है। कि एक तो मुद्दा भी दहेज का, ऊपर से ये ऐसा है कि मतलब घर घर हमेशा यूपी बिहार में तो बजता ही बजता है। स्टैंडर्ड भी सेट होगा कि ये जो है अश्लीलता मुक्त गाने, हम मैथिली बोले या भोजपुरी बोले, क्योंकि इसमें सबका फ्लेवर आपको सुनने को मिलेगा। इसको प्रॉपर हम भोजपुरी भी नहीं बोल सकते, करब है, ये सब शब्द है, थोड़ा मैथिली भी इसमें, तो ये मिक्स हमने कर दिया। तो था और इसका जो पिक्चराइजेशन है इस तरीके का रीजनल में ऐसा नहीं आया अभी तक से इतना ज़्यादा। तो मेरा भी यही कोशिश है कि ऑडियो के साथ वीडियो भी इम्प्रूव हो, और ये है असली बिहारी म्यूज़िक। ये तो अभी स्टार्ट है, अभी जब और अलग अलग आएगा तो उसका स्टैंडर्ड और हाई होगा, बट अभी एक शुरुआत किया है। तो ये गाना आज ही रिलीज हुआ है और आज ही रिस्पॉन्स बहुत कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा है ना। सब अपनी ट्री बनाएंगे और इसको हाँ। और अभी शादी का सीजन भी है बस इसका पेंडिंग। अब जैसे मनीषा रानी को लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो ओरिजिनल है। या तुम देखो ना, पंजाबी भी तो अपने एक्सेंट में बात नहीं करते हैं, बट वही एक बट उन्होंने इसी तरीके से उन्होंने मेहनत किया होगा, उतने सालों से अपना स्टैंडर्ड सेट किया। उनका म्यूजिक सुनो, उनका कल्चर सुनो, इतना वास्ट हो गया है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जाते हैं। तो यही है, हमें भी ऐसे ही मेहनत करना है अपनी भाषा पे, कि हमारा जो वो एक स्टीरियोटाइप लोगों से टूटे और समझ में आए कि ये है कल्चर। तो इसी से ये सबकी शुरुआत होगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से जो कर रहे हैं करिए, और भी अच्छे अच्छे आइडियाज लाइए, कॉन्ट्रोवर्सीज से बचिए, और अपने अच्छे आप जो हैं और आपकी जो कल्चर है उस पर ज्यादा फोकस करिए। पहले एक बैठ के लेंगे, ठीक है, एक लड़की जाएगी बोलेगी, जैसे मान लो लड़का है बैठा है, लड़की आई बोलेगी वो मतलब तुम लड़कों में करके बताती हो, तो मैं बोलूँगी तेरे वो सरकारी का आहे भैया बेकाबू कट, सॉरी चेहरा पे पेंट लगा के अब जितना ना उड़ा राजा इतना पूरा, ठीक है, कट टू नेक्स्ट लोकेशन, फिर लड़का वहाँ कहीं बैठा है कुछ कर रहा है, फिर तुम जाओगी हमू पापा की रानी पटना से पढ़ल पानी, अब ये रिपोर्ट लिखा के तुम के चटाई पहुंचे बच्चा, तो यहाँ पे स्टैंड एक शॉट आएगा तीन या जो भी तुम लोग तीन लड़कियों, फिर गोल घूमोगी कर डिमांड हमसे बुलेट दहेज़ मतलब लड़की को घेर रही होगी, अच्छा बेटा बता रहा है फिर जीटी बीच मंगवाना मंगवाना गे जो उसके बाद लगाया चार डंडा से हम एंट्री मारेंगे, ठीक है, डंडा नहीं है ना, डंडा हो जाए, डंडा हो जाए सामने पुलिस स्टेशन, किचन किचन में किचन किचन में डंडा कहाँ से, नहीं डंडा तो छोटी है ना, थाने में तो क्या होता है, अब इतना ना उड़ा रहा हूँ पापा के रानी पटना से पढ़ल बानी, अभी ये रिपोर्ट लिखा के तो चखाई बहुत मजा आ खेल रहा, ठीक है, सही से सुनला पतला है, चलिए साउंड लीजिए, रेडी, पापा के रानी पटना से पढ़ल बानी, ऐसे बोलता है ऐसे ऐसे कुछ करते रहो ना, तो बोलेंगे ठीक है, फिर सारी लड़की हाँ वाली ऐसे स्लो चलना कदम वाले ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा कुछ कुछ फेंकना कि भाई ये वो फलना ढिमकाना, तो ये बोलते रहेगी मेरा भी डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर तुम ऐसा ऐसा देखो तुमको पता चला कैसे घूमना है, हमको स्ट्रेट ही जाना है, ये ऐसा चल रहा है, तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे कर
खत्म कट। और फिर तीनों लड़की फिर जेटी भी इसको फिर अलग शॉट आएगा जिसमें तीन लड़की घूमेगी फिर जेटी भी ज्यादा मौका नहीं पहले से लगाओ हम लोगों को क्या करना है बस ऐसे ऐसे करना ना उस पर से ठंडा लगाए चार डंडा बस। ऑलमोस्ट जो फंक्शन है वो फिनिश हो गया है। अभी मैम जो है अपना गाना वाना दे रही है। हंडा लगाया बेचारे डंडा दिमाग हो बे ठंडा लगाया बेचारे डंडा दिमाग हो बे ठंडा बेचारे डंडा। मेरे साथ है प्रिया मलिक जी और इनका सॉन्ग आया है तो अपने सॉन्ग के बारे में कुछ बताएं। तो पहले तो ये कि अभी लगन का टाइम है, तुम्हें अगर शादी करने का इरादा है या अभी नहीं? अगर मानो तुम्हारी शादी हुई और दूल्हा अगर तुमसे दहेज मांगेगा तो पहले उसको मेरा गाना सुना देना। ओके तो क्या कहेंगे हम कि करब डिमांड हमसे बुलट दहेज में फिर जिट भी जदे मंगवा लगेज में लगाया बचार डंडा दिमाग हो बे ठंडा लगाया बचार डंडा। साथ में बोलना हाथी ले बे घोड़ा ले बे ले बे हीरो हंडा लगाया बचार डंडा दिमाग हो बे ठंडा लगाया बचार डंडा। तो जब ये गाना अगर आप लोगों के दूल्हे राजा सुनेंगे ना तो फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको दहेज देना है या नहीं लेना। और ये गाना जो है बाकी लोगों को भी सुनाए जिनका शादी होने वाला है और उनको भी बताइए कि अगर दहेज लेंगे तो उनको चार डंडा मिलने वाला है।